आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निरंजन पोद्दार जी, और इन्होंने राजनीति की जो शुरुआत की भाजपा से, एक तरीके से कि लगातार जो है भाजपा में बने रहे, अभी चुनाव से पूर्व जो इन्होंने भाजपा छोड़ा है, और फिर JVM से टिकट तलाश रहे थे लेकिन किसी कारणवश जो है JVM से टिकट नहीं मिल पाया। तो निरंजन पोद्दार जी, सबसे पहले तो अभी की जो वस्तु स्थिति है अभी की, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से आज एक सभा में आप लोगों ने यहाँ पे सभा की, क्या निर्णय लिया आप लोगों ने विचार करके, और अब आगे की रणनीति क्या होगी महागामा विधानसभा के लिए आपकी? पहले तो हम लोग आपस में आज एक छोटा सा मिलन समारोह था, और हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि चुनाव लड़ना कैसे है। टिकट नहीं मिला लेकिन हम लोगों का विचार हुआ कि चुनाव लड़ना चाहिए, और यहाँ की जनता चाहती है कि हम चुनाव लड़ें। टिकट नहीं दिया गया, इसमें तो कुछ राज छुपा हुआ है। और जिस दिन से मेरा ये चर्चा हुआ कि झारखंड विकास मोर्चा से टिकट मिलेगा, उसी दिन से उनका नींद हराम हो गया था। वो चाहते थे कि किसी प्रकार इनका टिकट कट जाए जो हम शांति से चुनाव लड़ें, पर यहाँ की जनता चाहती है हम चुनाव लड़ें, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों का एक नारा होगा कि हम क्यों करें बार बार विचार, हमारा अगर हो घर का उम्मीदवार, तो 3 बार जो है हम लोग इस क्षेत्र का जनता उनको समय दिए, और वही वो कहते हैं कि हमको जिताइए हमको जिताइए, पर कुछ करते नहीं है। ठाकुर गंगटी में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। हमारा अभी डेंगू जो हुआ भगैया में, हम लोग उसका व्यवस्था किए, क्रेडिट लेने के लिए विधायक जी पहुंच गए, ये सारा व्यवस्था विधायक जी किए हैं। दूसरे का कोई भी काम होता है तो विधायक जी चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, ये लोग बदनाम हो जाए। विकास हम लोग अगर जीतेंगे तो विकास क्या होता है, वो आम जनता कहेंगे कि हाँ ठाकुर गंगटी या महागामा विधानसभा में विकास क्या हुआ, वो खुद बताएंगे। अभी हम लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। तो चुनाव आप जिला परिषद के रूप में भी लगातार जो है काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, अभी जो प्रमुख समस्या है खास करके महागामा विधानसभा में, वो आपको क्या नज़र आती है? यहाँ सबसे बड़ा समस्या पानी का समस्या है। अभी देखिए बगल में कानाडी डैम है, हम लोग 6-7 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोकसभा में उसको मामला को उठवाए कि पानी बर्बाद हो रहा है, सभी पानी नदी में बह करके गंगा जी में चले जाते हैं। हमारे सरकार कह रहे हैं कि हम गंगा जी से पानी पिलाएंगे, ठाकुर गंगटी और मेहरमा को गंगा जी से पानी लाएंगे और पिलाएंगे। हम लोगों का कहना था कि आप कानाडी डैम बांध करके हमारा किसान का सिंचाई भी हो जाएगा और पानी भी उपलब्ध है, और वो पानी बर्बाद होकर के कहलगांव जा रहा है। तो यहाँ दिक्कत है पानी का, स्वास्थ्य का दिक्कत है, और शिक्षा का है। शिक्षा का बहुत निचला स्तर में चला गया है स्कूल बंद होने के कारण। कोई स्कूल, जिस गांव में 2 स्कूल था, अभी 1 स्कूल बंद है, 1 स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को खाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। कितने स्कूल यहाँ है जिसमें कि खाना बंद हो गया, तो सरकार का ध्यान नहीं है कि बच्चों को खाना कैसे नहीं मिल पा रहा है, इसका कोई देख रेख नहीं हो रहा है। ये सब समस्याओं को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे। तो अभी जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे इस बार महागामा विधानसभा से? जी, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और आपको जो है, आप अभी JVM के भी देख रहे हैं कि जिला कमेटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तो आपको JVM से पूरा सपोर्ट मिल रहा है? पूरा परिवार का सपोर्ट है, पूरा JVM परिवार का सपोर्ट है, और हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर।